नमस्कार, हाजिर हूं मैं काविंद्र चौहान। हजारों सालों से पुरुषों को आर्थिक स्थिति को संभालने वाला और साथ ही घर परिवार को सुरक्षा देने वाला समझा जाता रहा है और उन्होंने ऐसा किया भी और इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ करते आए हैं। कभी किसी पुरुष ने इस बात पर आवाज ही नहीं उठाई कि क्यों मैं जवान होते ही कमाने का बोझ उठाऊं, क्यों ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, वह मेरे पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन नहीं, हर पुरुष ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा, माना और अपना घर बखूबी चलाते आए। यही भारतीय संस्कृति है। लेकिन आपको ये बात सुनकर आश्चर्य होगा कि 90% पुरुष आज भी सपोर्ट की कमी महसूस करते हैं और इसका मुख्य कारण है कि वो पूरी तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ताज़ा मामला आप सभी को पता है, जोमैटो डिलीवरी बॉय कामराज अपने घर का अकेला कमाने वाला। पिता की 15 साल पहले मौत हो चुकी है, माँ डायबिटीज की पेशेंट है, आज बिना नौकरी के भटक रहा है, उस पर केस भी लग चुका है। रीजन है कि एक मॉडल मेकअप आर्टिस्ट को लगता है कि जब उसने फ्री का खाना मांगा नहीं मिला तो सैंडल मारी, लेकिन कामराज से गलती ये हो गई कि उसने खुद का बचाव करने की कोशिश की। बस फिर क्या था, मोहतरमा ने वीडियो बना डाली और कई खलियर पुरुष जो सबके इनबॉक्स में जाकर हाय हेलो लिखते रहते हैं, वही खलियर पुरुष जो हर महिला के इनबॉक्स में खुद भीड़ बनाए बैठे रहते हैं, यहां भी रातों रात उसको शेयर कर वायरल कर दिया और कामराज की नौकरी चली गई। लेकिन इसमें जोमैटो का रवैया बहुत सधा हुआ और संतुलित दिखा, जो कि प्रशंसनीय है। इसके साथ ही कम से कम एक बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने भी कामराज के समर्थन में ट्वीट किया है। देखिए, लड़की है तो सही ही होगी, इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा, ये समय की मांग है, क्योंकि इसके चलते कई घर बर्बाद हो चुके हैं। यूपी का विष्णु तिवारी फर्जी रेप केस में 20 साल, समझ रहे हैं, 20 साल सजा काटने के बाद निर्दोष साबित हुआ और जिस महिला ने यह फर्जी केस लगाया था वो अपने भरे पूरे परिवार के साथ शानदार जिंदगी काट रही है। वहीं दिल्ली का वो मशहूर ईव टीजिंग केस, जिसके चलते एक सरदार जी का नाम दिल्ली का दरिंदा पर गया था, याद है, आखिर में वो केस भी फेक साबित हुआ। इसमें समाज, सिस्टम, पुलिस, सभी की गलती। देखिए ना, कुछ महीने पहले एक कांड हुआ था मेरठ में, महिला ने कुछ दो लड़कों की 1-3 सेकंड की वीडियो साझा करते हुए लिख दिया कि ये मेरा पीछा कर रहे हैं। पुलिस ने बिना किसी जांच के चंद घंटों में उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी तस्वीरें भी ऑनलाइन साझा कर दी। याद रखिए, बिना किसी जांच के, क्या मैं अपने पर्सनली बता रहा हूँ, क्या मैं अगर कोई लड़की मेरा तरफ देख ले और मैं यूपी पुलिस से कहूँ कि ये मुझे घूर रही है और मेरा भी पीछा कर रही है, तो क्या पुलिस चंद घंटों में उसे गिरफ्तार कर उनकी फोटो साझा करेगी बिना किसी जांच के? जवाब है नहीं, और ये करना भी नहीं चाहिए। और यही जवाब इस समाज में पुरुषों को कमजोर बनाता है और हमेशा बनाता रहा। याद रखिए, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करना बंद कर देंगे तब हम पुरुष सशक्तिकरण की बात करना लग जाएंगे और ये बात करनी पड़ जाएगी। तो दो लाइनों के साथ यहां पर आपसे विदा लेता हूं कि करते हैं फरमाइशें पूरी ये सब की, ध्यान दीजिएगा, करते हैं फरमाइशें पूरी ये सब की और अपनी जरूरतों का जिक्र तक नहीं करते। जी हां, ये लड़के ही हैं जनाब, जी हां, ये लड़के ही हैं जनाब जो उठाए रखते हैं जिम्मेदारियां कंधों पर मगर उफ तक नहीं करते। धन्यवाद।